Karimpur. Hvorfor er du så sint på Ingrid? तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। दोस्तों जो मूवी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है नेक्स्ट डोर। ये मूवी एक डिस्टर्बिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। इस मूवी को देखकर आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिरकार इस मूवी में क्या चल रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इस मूवी को देखेंगे आप देखेंगे कि धीरे धीरे मूवी के अंदर के राज खुलते जा रहे हैं। जो सस्पेंस मूवी के स्टार्टिंग में डेवलप होता है वो धीरे धीरे खुलता जाता है और यही मूवी की खासियत है। तो चलिए आइए वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है इंग्रिड नाम की एक लड़की से, जो कि अपने बॉयफ्रेंड इवान के साथ में एक बिल्डिंग आई हुई थी। इवान बाहर कार में रुकता है, लेकिन इंग्रिड उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। यहाँ पर इंग्रिड अपने एक्स बॉयफ्रेंड जॉन के अपार्टमेंट में आई हुई थी अपना सामान लेने के लिए। जॉन इंग्रिड को अपने घर के अंदर बुलाता है और उसे कॉफ़ी ऑफर करता है, लेकिन इंग्रिड यहाँ पर जॉन के साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो तो अपना सामान लेने के लिए आई थी। फिर इंग्रिड जॉन को दूसरे लोगों की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीने को कहती है, लेकिन जॉन के मुताबिक उसकी लाइफ दूसरे से बहुत ही बेटर है। हमें पता चलता है कि जॉन इंग्रिड के ऊपर हाथ उठाता था, तो इसलिए इंग्रिड ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। जॉन को जब इस बारे में पता चलता है कि इंग्रिड ने उनके बीच की बात और उनके बिहेवियर के बारे में अपने नए बॉयफ्रेंड इवान को भी बता दिया है, तो वो इस बात पर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होता है। तभी जॉन देखता है कि इंग्रिड विंडो से इवान को हाथ दिखाकर कह रही है कि वो बिल्कुल सेफ है, और इस बात से जॉन गुस्सा होने लगता है। जॉन के मुताबिक वो अगर कभी इंग्रिड को मारता भी था तो वो उसके भले के लिए उससे मारता था, और इंग्रिड जॉन की इन बातों से इरिटेट होकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जॉन अपने बिल्डिंग के लिफ्ट में था और उसके साथ में वहाँ पर एनी नाम की एक लड़की थी जिसे जॉन चुप चुप कर देखे जा रहा था। फिर एनी और जॉन दोनों सेम फ्लोर पर उतरते हैं और दोनों का अपार्टमेंट एक ही फ्लोर पर था। तभी एनी अपने सामान को मूव करने के लिए जॉन से हेल्प मांगती है और जॉन उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और उसके साथ में उसके अपार्टमेंट में चला जाता है। एनी के साथ में उसकी एक सिस्टर किम भी रहती थी, जिसे एनी दरवाज़ा खोलने को कहती है, और यहाँ पर डोर खुलने से पहले ऐसा लगता है जैसे कि कोई एक कैबिनेट मूव कर रहा हो। जॉन को भी ये बात अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो एनी के अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद में जॉन घर की चीज़ों को देखने लगता है। फिर उसके बाद में एनी के कहने पर जॉन उस कैबिनेट को दूसरी जगह मूव करता है। तभी वहाँ पर एनी की सिस्टर किम आती है, जिसे जॉन देखते ही जा रहा था। किम जॉन को बहुत ही अच्छी लग रही थी और कैबिनेट मूव करके जॉन वहाँ से अपने अपार्टमेंट जाने वाला था, लेकिन एनी उसे वाइन पीने के लिए रोक लेती है। जॉन उसके साथ में थोड़ी देर के लिए बैठ जाता है, लेकिन वो दोनों सिस्टर के साथ में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। जॉन को जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि एनी और किम कैबिनेट के दरवाजे को सामने क्यों रखती है, लेकिन फिर भी एनी जॉन को फोर्स करती है कि अगर उसके दिमाग में उनके लिए ये सवाल है तो पूछ सकता है। इसलिए जॉन उससे पूछता है कि वे लोग ऐसा क्यों करते हैं। तब एनी का यही कहना था कि वे लोग खुद को मर्दों से सेफ रखने के लिए ऐसा करती है। दोनों के ऐसे उल्टे सीधे जवाबों से जॉन बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील कर रहा था, तो इसलिए वो घर जाने के लिए निकलता है। और तब एनी उसे कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड तो उसे छोड़कर चली गई है, तो उसे घर में क्या काम हो सकता है। इस बात से जॉन इंसल्टेड फील करता है और वो इस बात से थोड़ा शॉक्ड था कि एनी को उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे पता चला। एनी का ऐसा कहना था कि दोनों का घर बहुत ही पास में है तो वे लोग दीवार से सब कुछ सुन सकते हैं, और ये सुनकर जॉन अपने अपार्टमेंट में आता है और उसी दीवार में कान लगाकर एनी के घर की बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। फिर उसके बाद में जॉन इंग्रिड के सामान रखे हुए बॉक्स में इंग्रिड का सामान और उसके फोटो देख रहा था। इंग्रिड तो अपना सामान लेकर जा चुकी थी, तो अभी भी वो बॉक्स जॉन के पास में क्या कर रहा है ये हमें आगे पता चलेगा, तो वीडियो में बना रहिएगा। जॉन फिर अपने और इंग्रिड के साथ में बिताए हुए टाइम को याद करता है और वो इंग्रिड को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था और इस ब्रेकअप से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। तभी जॉन के अपार्टमेंट की डोरबेल बजती है। जब जॉन दरवाज़ा खोलता है तो उसे एनी मिलती है। एनी यहाँ पर जॉन से फिर से हेल्प मांगने के लिए आई हुई थी, लेकिन इस बार जॉन सीधे सीधे एनी को हेल्प करने से मना कर देता है। तो अब एनी उसे बताती है कि उसे मेडिसिन लेने के लिए बाहर जाना है। एनी किम को घर पर अकेले नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि कुछ साल पहले एक आदमी ने किम को असॉल्ट किया था और वो जॉन के आने से पहले इसी अपार्टमेंट में रहा करता था। तभी से किम बहुत ही ज़्यादा डरी डरी से रहती थी और तभी से घर से बाहर नहीं निकली है, और खुद को सेफ रखने के लिए किम डोर के पास में कैबिनेट को लगा कर रखती है। ये सब सुनकर तो जॉन को भी बुरा लगता है और वो एनी की हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर घर के अंदर जाने से पहले एनी जॉन से कहती है कि वो डोर को लॉक कर ले और उसके बल में कैबिनेट को डोर के पास में लगा दे, नहीं तो किम को पैनिक अटैक आ सकते हैं। एनी के जाने के बाद में जॉन घर के अंदर जाता है और कैबिनेट को डोर के पास में लगा देता है, और उसके बाद में जॉन देखता है कि किम बहुत लाउड वॉल्यूम में गाना सुन रही है।
तो इसलिए जॉन उसे साउंड का पीछा करके अंदर रूम की तरफ जाता है। वो देखता है कि एनी के घर का पूरा सामान बहुत ही गंदा और बिखरा पड़ा था। तभी जॉन को हॉल की तरफ से आवाज आती है और वहां पर जाने पर उसे वहां पर किम मिलती है। तब जॉन उसे बताता है कि उसकी सिस्टर बाहर गई है, तो इसलिए वो एनी की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आया है। यहाँ पर किम का ऐसा कहना था कि एनी उसकी सिस्टर नहीं है और एनी ने जो भी उसके साथ में असोल्ट के बारे में बताया है वो सारी बातें झूठ है। किम के मुताबिक उसे देखकर कोई भी कह सकता है कि उसके साथ में कभी भी असोल्ट जैसी चीज नहीं हुई है। और किम फिर जॉन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तब गुस्से में जॉन वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन वहां से जा नहीं पाता है क्योंकि किम डोर को लॉक करके उसकी चाबी अपने साथ में लेकर अंदर रूम की तरफ भाग गई थी। तभी किम को ढूंढने के लिए जॉन भी अंदर रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी वहां का टेलीफोन बजता है और जॉन उस टेलीफोन को ढूंढकर उसे रिसीव करता है। फिर फोन पर किम जॉन को पूछती है कि उसका रूम कैसा लगा। किम का पूरा रूम बिखरा हुआ था और रूम किसी इंसान के रहने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। किम के मुताबिक जॉन पहले भी उस रूम में आ चुका है, लेकिन जॉन के मुताबिक वो पहली बार उनके घर में आया है, तो किम का रूम देखना तो बड़ी दूर की बात थी। जॉन बार बार किम से मेन डोर की चाबी मांग रहा था ताकि वो अपने घर पर जा सके, लेकिन किम पर जॉन का टाइम वेस्ट कर रही थी। किम जॉन को बार बार उसकी गर्लफ्रेंड इंग्रिड के बारे में ही बता रही थी। वो जॉन को रियलाइज करा रही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे क्यों छोड़कर चली गई। अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे चीटे किया है तो जॉन उसको मिस क्यों कर रहा है, वो इंग्रिड के लिए अपनी लाइफ को क्यों खराब कर रहा है और जॉन को मूव ऑन कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद में किम जॉन को एक चाबी के बारे में बताती है जो कि उसके रूम में एक चेयर के नीचे थी। जॉन उस चाबी को लेकर किम के कहे मुताबिक उसी रूम के एक दूसरे डोर को खोलता है। उस डोर के पीछे जॉन को एक सीक्रेट रूम दिखता है जिसके अंदर आने पर वहां उसे किम मिलती है। किम उसे बताती है कि ये एक सीक्रेट रूम है जो कि एनी ने बनाया है उसके लिए, जहाँ पर वो रहती है। जॉन किम से मेन डोर की चाबी मांग रहा था, लेकिन किम अभी भी जॉन को चाबी नहीं दे रही थी और किम जॉन से कुछ देर बातें करना चाहती थी। फिर चाबी पाने के लिए जॉन भी किम की बातें मानकर उससे बात करने के लिए वहां पर बैठ जाता है और किम जॉन को एक स्टोरी सुनाने के बारे में उसे वहां से जाने देने वाली थी, तो इसलिए जॉन किम की स्टोरी सुनने के लिए मान जाता है। किम अपनी स्टोरी शुरू करती है, लेकिन वो स्टोरी सुनाने के नाम पर जॉन को सेड्यूस कर रही थी। जॉन भी पहले से ही किम को थोड़ा बहुत पसंद करता था, तो वो भी उसे नहीं रोकता है। लेकिन अचानक से किम जॉन के फेस पर थप्पड़ मारती है और साथ ही किम जॉन को पंच भी करती है। किम जॉन को बार बार हिट कर रही थी और जॉन उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किम जॉन के ऊपर हाथ उठाना नहीं छोड़ती है। साथ ही वो जॉन को सेड्यूस भी कर रही थी और अचानक किम जॉन को इतने जोर से पंच करती है कि उसकी नाक से खून निकलने लगता है। जॉन भी तब गुस्से में किम को पंच करता है, लेकिन फेस से खून निकलने के बाद भी किम जॉन को ऐसे ही मार पीट करके उसके साथ में इंटीमेट होने को कह रही थी। जॉन भी खुद को रोक और वो भी ब्रूटली किम के साथ में इंटीमेट होता है। लेकिन अजीब बात यह थी कि ये सारी चीजें रूम के बाहर से खड़ी होकर एनी देख रही थी और फिर भी वो उनको नहीं रोकती। कुछ देर के बाद में जॉन घर पर आता है और जब वो खुद का फेस ग्लास में देखता है तो शॉक्ड हो जाता है। उसका पूरा फेस और उसके कपड़े खून से सने हुए थे। उसने जो भी किम के साथ में किया था उसे उसके लिए बहुत ही बुरा फील होता है और इसलिए वो बहुत ही रोता है। फिर अगले दिन जॉन ऑफिस जाने के लिए निकलता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंग्रिड के नए बॉयफ्रेंड इवान की कार अभी भी जॉन की बिल्डिंग के बाहर खड़ी थी और अब ऐसा क्यों है ये भी हम आगे देखेंगे। ऑफिस जाते समय जॉन को बार बार किम के साथ वाला वो कल का इंसिडेंट याद आ रहा था और जॉन के फेस और हाथों पर जख्म के निशान भी थे, तो इसलिए ऑफिस में भी सभी लोग जॉन को ही देख रहे थे। और जॉन का फ्रेंड पीटर जब भी उससे चोटों के बारे में पूछता है तो जॉन बताता है कि कैबिनेट मूव करते टाइम उसको ये चोट लगी है। ऑफिस में जॉन का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था, अगर कोई उसे एक्स्ट्रा काम बता भी देता था तब भी वो उसे कंप्लीट कर देता था और आज जॉन को वैसे भी जल्दी घर जाने का मन नहीं था, तो इसलिए एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए हाँ कर देता है। ऑफिस में जॉन को बार बार तेज सरदर्द हो रहा था, तो इसलिए काम खत्म करके जॉन अपने घर पर आ जाता है। फिर एक बार के लिए वो किम से मिलने का सोचता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती है और वो अपने घर के अंदर आ जाता है। घर के अंदर आने के बाद में कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है, लेकिन जब वो बाहर देखने जाता है तो बाहर कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद जॉन किसी को कॉल करके किम के घर का नंबर लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस पर्सन के पास उस फ्लोर का कोई भी नंबर नहीं था। अब जॉन बाथरूम में अपने खून लगे टॉवेल को देखकर उसे प्लास्टिक बैग में रख देता है और फिर वो इंग्रिड को कॉल करता है, लेकिन उसका फोन वॉइस मेल पर चला जाता है, तो इसलिए जॉन इंग्रिड के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ता है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो अब नॉर्मल हो चुका है, तो इसलिए वो इंग्रिड से मिलना चाहता है। फिर उसके बाद में जॉन अपना खाना खत्म करता है और वो उसी टाइम को याद करता है जब इंग्रिड अपना सामान लेकर वहां से जा रही थी। जॉन इंग्रिड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़कर न जाए और तब इंग्रिड जॉन को अपना हाथ दिखाती है जिसे जॉन ने गर्म कॉफी डालकर जला दिया था।
जॉन के मुताबिक यह उससे गलती से हुआ था, लेकिन इंग्रिड के मुताबिक गलती सिर्फ एक ही बार होती है, बार बार नहीं। और जॉन हर बार उसे ऐसे ही अब्यूज करता है। ये सुनकर जॉन इंग्रिड के ऊपर गुस्सा होने लगता है और उसे ऐसा लग रहा था कि इंग्रिड उसकी ये सब बातें बाहर वालों और इवान को बता रही है। और बाहर वालों के सामने जॉन की इमेज बहुत ही अच्छी थी। इंग्रिड से हमें पता चलता है कि उन दोनों में बहुत दिनों से प्रॉब्लम थी और वे 6 महीनों के बाद में इंटीमेट हुए थे, लेकिन वहाँ भी जॉन उसे जानवर की तरह मार पीट कर इंटीमेट हो रहा था। और इंग्रिड एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती थी जो उसे प्यार नहीं बल्कि ब्रूटली उसका बलात्कार करता है। जॉन इंग्रिड की किसी बातों को सच नहीं मान रहा था और उसके मुताबिक वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकता है। तब इंग्रिड उसे ये भी कहती है कि जॉन को तभी इंटीमेट होने का फील आता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड इंग्रिड को किसी और आदमी के साथ में इंटीमेट होते हुए इमेजिन करता है, या फिर वो इंग्रिड के मुंह से कोई इंटीमेट स्टोरी सुनता है जिस स्टोरी में इंग्रिड किसी और आदमी के साथ में इंटीमेट हुई हो। इंग्रिड फिर से जॉन को एक सेक्स स्टोरी सुनाती है, लेकिन अजीब बात यह थी कि यह स्टोरी बिल्कुल वैसी थी जैसा किम जॉन को उस दिन सुना रही थी। अब प्रेजेंट टाइम में जॉन ये सब बातें याद करके बहुत ही गिल्ट फील करता है। और उसके बाद में जॉन दीवार पर कान लगाकर किम के घर की बातें सुनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है। तो इसीलिए वो किम के घर की तरफ जाता है जहाँ पर एनी उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और जॉन अंदर चला जाता है। यहाँ पर हम एनी के डिनर प्लेट में वैसा ही बचा हुआ खाना देखते हैं जैसा कि जॉन ने अपने घर में छोड़ा था। और अब ऐसा क्यों है ये हमें मूवी के साथ साथ पता चलने वाला है। जॉन को एक बात बहुत ही अजीब लग रही थी कि एनी और किम उसके अपार्टमेंट की बातें अपने घर तक सुन पा रही थी, लेकिन उसे तो एनी के घर से कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। जिस पर एनी का कहना था कि वे लोग बहुत ही कम बातें करते हैं और बहुत ही धीमी आवाज़ में। जॉन एनी से इस बात से नाराज़ था कि उसको एब्यूज होने की झूठी बात उससे कही थी। एनी जॉन के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और इंग्रिड से जॉन क्यों इतना गुस्सा होता था इस बारे में वो उससे पूछती है। तभी किम अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है और एनी के कहने पर जॉन किम से बात करने के लिए उस सीक्रेट रूम के अंदर चला जाता है। जॉन के अंदर जाते ही एनी उस रूम का डोर बाहर से लॉक कर देती है और जॉन के बार बार कहने पर भी एनी डोर को नहीं खोलती है। तब जॉन उसी रूम में किम को ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पर किम तो नहीं दिखती है, लेकिन वहाँ पर उसे एक आदमी का कोट और 2 कबूतर दिखाई देते हैं। अचानक जॉन को ऐसा लगता है उसके पीछे सोकर गुजरा है, तो इसलिए जॉन उस आदमी को आवाज़ लगाता है और उसके पीछे जाने लगता है। तभी किम उसे रोकती है और उसे अपने पास में बुलाती है। किम के मुताबिक घर में वो जॉन और एनी ही है और जॉन ने एनी को ही गलती से देख लिया होगा। किम फिर जॉन से ये पूछती है कि वो कल उसके साथ में इतना ब्रूटली इंटीमेट क्यों हुआ। अगर किम ने जॉन को मारा भी था तब भी जॉन को उस पर हाथ उठाना जरूर नहीं था। जॉन उससे बहुत ही स्ट्रांग था, तो जॉन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक भी सकता था। और किम भी इस बात पर जॉन से एग्री करती है। अब किम जॉन के साथ में फिर से इंटीमेट होना चाहती थी, लेकिन जॉन उसे रोक देता है और तब किम दूसरे रूम में चली जाती है। जॉन जब किम के पीछे जा रहा था तो उसे उसी रूम में जहाँ पर वो कल किम के साथ में इंटीमेट हुआ था वहाँ उसे एनी दिखती है जो कि एक आदमी से बातें कर रही थी। उस आदमी से एनी वही बातें कर रही थी जो कि कल किम उसके साथ में कर रही थी। वो आदमी एनी के साथ में इंटीमेट होने के लिए आता है और वो एनी को मारने पीटने लगता है। ये देख कर जॉन डर चुका था और वो जल्दी से वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन वो आदमी जॉन को देख लेता है। यहाँ पर ये आदमी जॉन का नाम जानता था और वो जॉन को अपना नाम इवान बताता है। ये वही इवान था जो कि इंग्रिड का नया बॉयफ्रेंड था। यहाँ पर इवान जॉन से इंग्रिड के बारे में बातें कर रहा था। उस साथ ही इवान जॉन को बता रहा था कि अगर उसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो वो उसकी हेल्प जरूर करेगा। फिर इवान उसे उस रूम से बाहर जाने के लिए एक चाबी देता है, लेकिन उस चाबी से डोर नहीं खुलता है, तो इसलिए इवान जॉन को एक दूसरी चाबी देता है। उस चाबी से उस सीक्रेट रूम का डोर खुल जाता है, लेकिन आगे एक और डोर था जिसकी चाबी जॉन के पास में भी नहीं थी। अब अचानक इवान जॉन के पास में आता है और जॉन ने जो कॉफी से इंग्रिड का हाथ जलाया था उसके लिए वो जॉन पर गुस्सा करता है। बहुत सालों से इवान इंग्रिड की केयर करता आ रहा था, लेकिन जॉन ने हमेशा इंग्रिड को सेक्सुअली और फिजिकली अब्यूज किया था। फिर अचानक इवान अपनी बातों से पलट जाता है और वो कहता है कि जॉन ने जो कुछ किया ठीक किया और इंग्रिड को ऐसे ही अब्यूज होने में मजा आता होगा। तभी वहाँ पर एनी आती है जो कि जॉन से कहती है कि जॉन को शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बस उसे याद करे जो कि इंग्रिड ने उसके साथ में किया था। यहाँ पर जॉन इंग्रिड के रूप में किम को इमेजिन कर रहा था, मतलब कि ये इंसिडेंट तो वही था जब इंग्रिड घर को छोड़कर जा रही थी, लेकिन इंग्रिड की जगह वहाँ पर किम थी। इवान और एनी जॉन को किस कर रहे थे और उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे जो कुछ भी जॉन ने इंग्रिड के साथ में किया था। एनी और इवान का ये कहना था कि जॉन ने इंग्रिड का मर्डर कर दिया है, लेकिन जॉन इस बात को मान नहीं रहा था कि वो इंग्रिड का मर्डर भी कर सकता है। फिर एनी जॉन को एक
के पास में वही कबूतर थे और वहां पर बेड पर किम की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसकी बॉडी पर बहुत सारे चोटों के निशान थे। ये देखकर जॉन डर जाता है और अपने घर में आ जाता है और डोर को लॉक करके एनी के घर जैसा एक कैबिनेट अपने डोर के सामने रख देता है। फिर उसके बाद में जॉन इंग्रिड की फोटो देखता है। ये फोटो बिल्कुल वैसी थी जैसा उसने किम के घर पर उसका फोटो देखा था। सेम लोकेशन पर सेम पोज में इंग्रिड और किम की फोटो एक ही थी, जिस बात से जॉन बहुत ही कंफ्यूज था। अचानक जॉन को किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जॉन अपने हाथ में एक हैमर लेता है और कैबिनेट को हटाकर डोर खोलकर एनी के घर की तरफ जाता है। लेकिन वहां पर कोई भी घर नहीं था, बस एक दीवार थी। उस पूरे फ्लोर पर जॉन अकेला ही रहा करता था। जॉन बहुत ही कंफ्यूज हो गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर अगले दिन हम पीटर को जॉन के अपार्टमेंट की तरफ आते हुए देखते हैं, जहाँ पर पीटर देखता है कि जॉन के घर के पास वाली दीवार टूटी हुई है, जिसे जॉन ने ही तोड़ा था। घर के अंदर भी जॉन उस दीवार को तोड़ रहा था, जहाँ पर दूसरी तरफ एनी का घर हुआ करता था। पीटर के डोर नॉक करने पर जॉन उसे वापस जाने को कहता है, लेकिन पीटर ऑफिस का कुछ इम्पोर्टेंट काम के बारे में बात करने आया था, तो इसलिए जॉन कैबिनेट को हटाकर थोड़ा सा दरवाजा खोलता है। जॉन यहाँ पर पीटर से पूछ रहा था कि वो रियल है कि नहीं और उसे वहाँ पर किसी और का घर नजर आ रहा है क्या? लेकिन पीटर को भी वहाँ पर जॉन के अलावा किसी और का घर नहीं दिख रहा था। पीटर जॉन के घर के अंदर आना चाहता था क्योंकि उसे घर के अंदर से कुछ स्मेल आ रही थी। जॉन उसे अंदर आने नहीं देता है और डोर को लॉक करके कैबिनेट के पास में लगा देता है। फिर अचानक जॉन को याद आता है कि किस तरीके से उसने इवान को हैमर से अटैक करके जान से मार दिया था। और प्रेजेंट टाइम में हम जॉन के बाथरूम में इवान की डेड बॉडी को देखते हैं और यहीं पर इस मूवी का असली राज खुलता है। हमें मूवी की पूरी स्टोरी पता चलती है, जो कि कुछ इस तरीके से थी। जब इंग्रिड गुस्से में जॉन को छोड़कर जा रही थी तो जॉन उसके ऊपर हाथ उठा देता है और बातों ही बातों में दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि जॉन गला दबाकर इंग्रिड को जान से मार देता है। फिर जब इंग्रिड को ढूंढते हुए इवान उसके घर पर आता है तो जॉन इवान को भी मार डालता है। तो इसलिए इवान की कार जॉन के घर के बाहर थी और इंग्रिड का सामान का बॉक्स भी जॉन के घर में ही रखा हुआ था, क्योंकि वे दोनों जॉन के घर से निकल ही नहीं पाए थे। और बात करें तो एनी और किम की, जॉन जो कि मेंटली डिस्टर्ब था और किम और एनी जॉन के दिमाग का एक कैरेक्टर थी जिसे जॉन ने ही बनाया था। जॉन के दिमाग का एक हिस्सा जॉन को एनी और किम के रूप में ये याद दिला रहा था कि जॉन ने क्या क्या गलती की है। तो इसलिए जॉन के घर के डिनर प्लेट का बचा हुआ खाना, एनी और जॉन का घर, दोनों का कैबिनेट, किम और एनी की बातें भी, ये सारी इंग्रिड से सेम ही थी, क्योंकि जॉन किम और एनी को अपने ही घर में हेलुसिनेट कर रहा था। तो इसलिए जॉन को एनी के घर का फोन नंबर भी नहीं मिल रहा था क्योंकि वहां पर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता था। जॉन के घर में जो डेड बॉडी पड़ी थी वो इंग्रिड की थी, लेकिन जॉन इंग्रिड के रूप में किम को इमेजिन कर रहा था, तो इसलिए उसे किम का ही फेस नजर आ रहा था। अब प्रेजेंट टाइम में हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो कि पीटर के कहने पर वहां पर आए हुए थे। वे लोग जॉन के घर का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे और घर के अंदर जॉन इंग्रिड की डेड बॉडी से बातें कर रहा था और उसके बाद में वो इंग्रिड की डेड बॉडी को हक करके सो जाता है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग और साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसमें जॉन नाम का एक व्यक्ति होता है। जॉन असल में मेंटली डिस्टर्ब होता है, लेकिन उसे भी ये बात नहीं पता होती है। जॉन इंग्रिड को आए दिन मारा पीटा करता था, तो इसलिए इंग्रिड ने जॉन से ब्रेकअप कर लिया था। जॉन की दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उसने अपने घर में किम और एनी नाम के दो कैरेक्टर डेवलप कर लिए थे, जो कि उसी इंसिडेंट को उसके सामने बार बार दोहरा रहे थे। मूवी के एंड में पीटर को जॉन की हरकत के बारे में पता चला और उसने पुलिस को बुला लिया। और इसी के साथ में ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और अगर आपको मूवी देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर सारी मूवी अपलोड कर देता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।